अपने आराम से रिलैक्स जाएंगे, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हमें चलना है बिल्कुल सेफ्टी से, हमें घर लौट कर भी आना है, कि हमारी जो बाइक है छोटी बाइक है। फुल कर दे रहा अंकल जी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। और अब चल रहे हैं, अभी पूजा वूजा की है, आज माता रानी का पहला दिन स्टार्ट है, नवरात्र स्टार्ट है आज से। फिर 10 दिन बाद दशहरा होगा, दशहरे की वीडियो वगैरह बढ़िया से बनाएंगे। तो देखो, हमने तो अपना मंदिर सजा दिया है माता रानी का, पूजा वगैरह कर दी अपने। ये हमारी माता मैया हैं, हमने धूपबत्ती जोड़ दी, दिया वगैरह सब जला दिया। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। तो अब निकलते हैं थोड़ा सा बाहर और देखते हैं घर के बाहर का क्या मौसम है, टाइम क्या हो रहा है। टाइम देखो, हो गया 10 बजे का। और डब्बू हमारा सो के उठ गया। ये किसकी चाबी है तुम्हारे हाथ में? अलमारी की चाबी। रात भर लेके सोता है इसको अपने साथ? अब खांसी तो नहीं हो रही? ये होंठों पे ना विक्स लगा लिया करो रात को सोते टाइम। तो भाई आज बेल्ट का यूज करेंगे, ये वाली बेल्ट का, इस वाली बेल्ट को पहनेंगे, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो लेदर की बेल्ट यूज नहीं करनी चाहिए। फास्ट वैसे भी हमारा आज व्रत है आज मेरा, तो इस चक्कर में और मैं लेदर की बेल्ट यूज नहीं करूँगा, और इस बेल्ट को पहनते हैं अभी डुगू। अभी चल डुगू, आजा तेरे कटिंग करवा लाऊं। क्या चुपता है? अच्छा क्या कह रहे हो? बताओ। लुगू कह रहा कि मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा, मैंने लिए बना। बोलो हेलो, बोलो हेलो। नॉटी बॉय है हमारा लुगू। साइकिल वाला देख रहा हूँ कि मैं इसकी वीडियो बना रहा था। तो आज हमने भी ये शर्ट चेंज कर दी, टी शर्ट, क्योंकि बताते हैं कि फास्ट वाले जितने ना ब्लैक पहनते नहीं हैं, तो मैंने वो उतार के फिर ये पहन ली, ग्रीन और वाइट। अब बताओ ये कैसी लग रही है? ये तो अच्छी लग रही है, लेकिन ब्लैक ना मेरे थोड़ी फिट सी आती है, ये फिट नहीं आ रही, थोड़ी लूज है। खैर चलो ये भी ठीक है, जब ब्लैक नहीं पहनते तो नहीं पहननी चाहिए। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं। देखो बाइक अपनी स्टार्ट हो चुकी है, गर्म हो रही है थोड़ी सी, और ये सामने अपने छोटी सी खेती है, मिनी खेती, डुगू बैठा है अपना, और अपना हेलमेट वगैरह पूरा सेफ्टी से अपने निकलते हैं बाहर बाइक राइड पर, और दिल्ली चलते हैं, फ्रेंड को पिक करना है, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ चलना है। तो आज इस ब्लॉग में बने रही है, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप इस वीडियो पर सारा कुछ देख सकते हो, और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अब अपना जो फ़ोन है हेलमेट में फ़िट कर दिया है मैंने स्टैंड लगा कर, अब थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करते हैं अपने फ्रेंड के घर तक। तब हमने ये अपनी बाइक निकाल दी। देखो हमारा जो झंडा है कितने प्यार से उड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहा है, बट मुझे मोटो ब्लॉगिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। देखो मेरा जो झंडा कितना प्यार से उड़ रहा है। अब मैं इस ट्रक को क्रॉस करूँगा, पहले मैं थोड़ा सा रोक के अपनी वीडियो देखता हूँ, मतलब ठीक बन रही है नहीं बन रही, एक बार चेक करना भी ज़रूरी है। अगर चेक नहीं करूँगा पता चले मेरा फ़ोन नीचे लटका हुआ है और सिर्फ नीचे नीचे की वीडियो बन रही है, मतलब टंकी टंकी की, सामने का व्यू नहीं आ रहा, तो फिर वो इन्जॉय नहीं आएगा मतलब वीडियो बनाने में फिर जो मजे है। तो अपने चलते हैं, दिल्ली चल रहे हैं पहले, और बाइक देखते हैं अपने आराम से रिलैक्स जाएंगे, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हमें चलना है बिल्कुल सेफ्टी से, हमें घर लौट कर भी आना है, क्योंकि हमारी जो बाइक है छोटी बाइक है। देखो एक्सीडेंट तो बड़ी बाइक का भी हो सकता है, भगवान जब तक कुछ चाहेगा नहीं जब तक कुछ नहीं होगा। अब आ गई रेड लाइट, यहाँ थोड़ी देर रोकते हैं। अब एकदम मुझे ना थोड़ा सा मतलब यार एक आदत सी नहीं है ना मोटो ब्लॉग, मतलब फ़ोन आगे कैमरे पे फिट करके रखना, तो इधर उधर देख रहा हूँ ना मैं, तो अजीब सा लग रहा है, और लोग भी मुझे मतलब जैसे गाड़ी में जो बैठी हूँ ना गाड़ी वाले भी देख रहे हैं, मतलब फ़ोन लगाया हुआ बंदे ने आगे, बाइक छोटी सी और फ़ोन इतना महंगा लगाया हुआ है, बात है भाई। देखो बट रोड है ना आज बिल्कुल खाली है, संडे का दिन है, इसलिए मैं संडे को ना ब्लॉगिंग करने के लिए निकलता हूँ अपनी बाइक से, और मोस्टली मैं दिल्ली ही जाता हूँ ब्लॉग करने, ब्लॉग वगैरह जो बनाने। अब ये रेड लाइट कितनी देर लगी, चलो स्टार्ट तो होगी, ग्रीन लाइट होगी, अब निकलते हैं। तो देखो कितना एंजॉय आ रहा है। अब दिल्ली में थोड़ा सा जाने में हल्का फुल्का ट्रैफिक शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह मिले,
बट ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो वो तेरी बच गया। ये गाड़ी वाले ना बाइक वालों को कुछ समझते नहीं है, ये देख के चलाते नहीं है। फिर हम लोगों को बोलते हैं तुमने फ़ोन लगाया हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ है, तो गन्ने का जूस भी जा रहा है। अब ये लगा लो, अभी भी है ना थोड़ा सा, जैसे फ़ोन लगा लो ना हेलमेट में, अगर स्टैंड लगा लो फ़ोन का और हेलमेट लगा दो, हेलमेट ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, तो भारी भारी सा हो जाता है, इधर उधर देखता हूँ ना तो थोड़ी सी दिक्कत सी होती है। इसलिए ना मुझे थोड़ा सा बाइक ब्लॉगिंग वगैरह के लिए वो लेना पड़ेगा, जो वो नहीं आता गोप्रो टाइप का आता, छोटा सा कैमरा आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कैमरा, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का होता है वो कंपेयर टू मोबाइल। मोबाइल हमारा थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये थोड़ा भारी होता है। अब थोड़ा सा स्पीड में बाइक भगाने का तो कोई मतलब नहीं, दिल्ली में कट जाते हैं चलन, हमें चलानी पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स तरीके से। तो देखो अभी हम घुसने वाले हैं अंडरपास में, जो दिल्ली का जो अंडरपास है ना ओखला का, वो मेरे ख्याल से 300 मीटर तक तो होगा। अभी जैसे इसके अंदर जाऊँगा ना तो एकदम अंधेरा सा होगा, बट फ़ोन है ना, जो फ़ोन थोड़ा सा लाइट अपने हिसाब से मिलता है, जैसे अंधेरा होता है ना तो ये ऑटोमेटिक उस पर चला जाता है, तो थोड़ा लाइट टाइप की आने लगती है, येलो कलर की। इसमें लाइट वगैरह तो जल नहीं रही है अभी रात के टाइम में, थोड़ी बहुत तो लाइट साइड में से जल रही हैं, हाँ जल तो रही है, बट फ़ोन इतनी जितनी फ़ोन में क्लियरिटी आएगी ना जब मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगा, और इतना रियली में नहीं है ये, अभी अंधेरा टाइप का है, बट फ़ोन सही से ले रहा है अपना जो क्लियरिटी है। और देखो बाइक की तरह प्यार से चल रही है, बड़ा ही बढ़िया है ये अंडरपास का ना, रोड भी बढ़िया है, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडरपास के जो ऊपर है ना वो रेलवे लाइन है। अब मुझे ना बाइक जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा ना तो एक बार है ना फिर से मैं एक बार चेक करूँगा वीडियो, मतलब ठीक से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्ड सही से नहीं हो रही है तो मैंने आपको बताया कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं धूप में घूम करके, तो मैं थोड़ा सा बाइक साइड में लगाता हूँ और देखता हूँ, मतलब मेरा जो मोटो ब्लॉग है ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार मैं यहीं साइड में लगाता हूँ थोड़ा, देख के पीछे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। मुझे ना अपनी बाइक में साइड मिरर भी लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि साइड में देखने के लिए मुझे ना सर थोड़ा सा वैसा करना पड़ता है, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पर बाइक रोकता हूँ अपनी और देखता हूँ, एक बार फ़ोन चेक करता हूँ ठीक से वीडियो शूट हो रही है नहीं हो रही है। तो एक मिनट रोकना भैया आप, हाँ हेलमेट में ही फिट किया हुआ मैंने, अब देखो मैं देखता हूँ रुको। तो भाई हेलमेट नहीं था मेरे पास, तो था पीछे बैठने वाले के लिए पास नहीं था, तो फिर एक जानकार जी रहते हैं यहाँ पर ओखला में, तो उनसे हेलमेट लेने आए हुए हैं पीछे, देखो ये रही उनके पास शायद पड़े होंगे एक दो हेलमेट, तो दे देंगे दो घंटे के लिए फिर वापस कर जाएंगे इनका, नहीं तो फिर कहीं पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो फिर चालान वगैरह हो जाएगा। इस चक्कर में हम हेलमेट लेकर ही जाएंगे, अगर इनके पास नहीं मिला तो फिर नया खरीद लेंगे कहीं ना कहीं रोड से, बट बिना हेलमेट के नहीं निकलेंगे रोड पर हम। तो भाई सबसे पहले हम अपनी बाइक में पेट्रोल वगैरह भरवा लेते हैं, आप देखो मीटर देख सकते हो हमारा जो फ्यूल बताने वाला जो मीटर है पेट्रोल बनाने वाला बाइक में, वो बिल्कुल लाल से भी नीचे गिर चुका है, तो मेरी बाइक जो है कल से रिजर्व में चल रही है, हो सकता है इसका पेट्रोल वगैरह कहीं फिनिश हो जाए ख़त्म हो जाए तो हमें दिक्कत हो जाएगी, मतलब ब्लॉगिंग करते टाइम रास्ते में। तो सबसे पहले हम अपना बाइक में पेट्रोल फुल करवा लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कितने भी हम दूर तक जा सकते हैं, कितनी क्या मतलब जिसकी जितनी इसकी रेंज है, बट हमें तो ज़्यादा जानी 50-60 किलोमीटर जाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेट्रोल फुल कराते हैं। फुल कर दे रहा हूँ अंकल जी, क्या फोन लगा भाई, अभी चल रहे हैं नवरात्र के टाइम चल रहा है, मतलब आज जो है ना पहला दिन है नवरात्रों का, तो इसलिए हमें रास्ते में वो डीजे चलता हुआ दिखा था जिससे वो लेकर जा रहे थे माता रानी की पालकी वगैरह लेकर जा रहे होंगे अपने एरिया में, तो वो डीजे बजाते हुए जा रहे थे, लोग डांस भी कर रहे थे काफ़ी सारे, तो ये अच्छी चीज़ है देखो भक्तों के लिए, ये थोड़ा सा मोटिवेट करता है जो रोड पर जा रहे होते हैं। जैसे हम मेरे को तो ये है कि मतलब हरिद्वार भी जाता हूँ ना कावड़ के टाइम पर, जब मुझे डीजे वगैरह दिख रहे होता तो मैं कितना भी थका हुआ हूँ मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं फील होती है, लगा लो जहाँ भी डीजे दिखता है मैं तो अपने मतलब बाइक पे भी होता हूँ ना, तो थोड़ा हाथ ऊपर करके डांस करने लगता हूँ कई बार, तो मैं क्या करता हूँ बाइक साइड में खड़ी कर करके और नाचने लगता हूँ बाइक पर, ये लगा लो बाइक साइड में खड़ी करो, मतलब इससे ये है थोड़ी सी भोले की भोले बाबा जी की जो भक्ति है वो थोड़ी सी अपने अंदर बहुत ज़्यादा है, और अपने तो जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो फुल इन्जॉय लेते हैं उस चीज़ का। तो आज फाइनली हम वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें आना था, एक वीडियो शूट करनी थी हमें अंदर जाकर, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पर बाइक वगैरह लगाते हैं फिर अंदर चलते हैं, अंदर को देख कर आते हैं मतलब कि यही जगह है क्या है, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो भी कुछ अंदर होगा जितना हो सकेगा हम आपको ये दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर।
तो गाइस तुम्हारा भाई आया हुआ है, एक फोर्ट देखना है। उस साइड से चढ़ेंगे, उस साइड से या तो इधर से चलें। ये तो बहुत ऊंची है, बहुत ही प्यारा फोर्ट है। इसकी हम वीडियो बनाने आए हुए हैं, तो दूसरे चैनल पर डालेंगे इसकी वीडियो, जो है एक्सप्लोर करेंगे फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे लग रहा है ना ये गेट है इस साइड से, इसकी पूरी हिस्ट्री जो भी है। इसको बोलते हैं अलीदाबाद फोर्ट। दोस्तों देखो बिल्कुल जंगल ही जंगल है चारों तरफ से। यार उधर एक रील बनानी चाहिए थी। हाँ यार मस्त जगह वहाँ पे यार, भाई साहब क्या रिव्यू आता है। दोस्तों अभी एक जगह जा रहे हैं जहाँ मस्त सीन बनेगी। और देखो आप देखो यहाँ पर कितना बिल्कुल जंगल जंगल सा है। देखो कैसे है, मतलब ये लगा लो पूरे जंगल सही है यहाँ पर। और यहाँ पर सांप वगैरह का ज्यादा डर है। अभी मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा, आपने सोची नहीं होगी मतलब कितना प्यारा व्यू दिखेगा वहां से दिल्ली का। देखो ये देखो पीछे का व्यू, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ऐसे। तो गाइस चलते हैं अपने घर राइड पे, पूरी राइड दिखाएंगे आपको रास्ते की। ओके तो गाइस अब यहाँ से अपने घर के लिए निकल चुके हैं अपने। यहाँ पर देखो कितना प्यारा सामने का व्यू है रोड का। आज संडे है और छुट्टी का दिन है और नवरात्र चल रहे हैं, तो इस चक्कर में मुझे लग रहा है आज है ना रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। खूब बड़े तरीके से अपने बाइक चल रही है और मतलब राइड करने का अपने स्प्लेंडर पर अलग ही मज़ा आ रहा है मुझे। और सबसे खास बात तो ये है कि जो मेरी ये बाइक है, तो बाइक का जो मेरा तिरंगा है वो शान से लहरा रहा है। तिरंगा जो इंडिया का हमारा जो फ्लैग है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना नज़ारा दिखा रहा है मतलब लोगों को। मैंने वैसे तो ये 15 अगस्त पर लगाया था, बट अभी चल रहा है अक्टूबर, तो मेरा अभी काफ़ी टाइम चल रहा है। बट ये बारिश में भीग भीग के ना थोड़ा सा वैसा हो गया गंदा। एक बार मैं इसको धो धा कर है ना फिर से इसको दोबारा से लगाऊंगा बाइक पर। तो मैंने अपने फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया है पीछे, उतार दिया अपने आराम से। अब अपने घर के लिए निकलते हैं यहाँ से। अब हम राइट लेंगे और देखो यहाँ पर है ना गाड़ियों का शोरूम है, तो यहाँ पर डिलीवरी हो रही है। जो टेंट के अंदर कारें खड़ी हैं नई नई, इन कारों को देखकर मुझे इतना फील होता है कि मैं भगवान नई कार कब लूँगा। मेरा शौक बट मेरे को ये छोटी गाड़ियों का नहीं है, मेरा है जो टारगेट है या तो थार या तो स्कॉर्पियो 4x4। मुझे चाहिए ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी। मेरा जो ड्रीम है ना वो बर्फ़ में जाने का है, घूमने का बर्फ़ में, थार लेकर या फिर स्कॉर्पियो 4x4, मतलब कोई भी गाड़ी हो 4x4। बट मेरे पास तो अभी बैगनर भी है, बट वो मुझे बैगनर का थोड़ा ये डर लगता है लद्दाख वगैरह में ले गया तो लटक जाएगी, क्योंकि 4x4 तो है नहीं, 2x2 है, वो भी छोटे छोटे टायर हैं इसके, तो ये अटक जाएगी, मेरे लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देगी है। इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे पास कोई बढ़िया सी गाड़ी हो वो भी लेंगे। थोड़ा सा टाइम आएगा जब, अभी भगवान जी नहीं चाहते कि भी मैं गाड़ी लूँ, जब भगवान जी चाहेंगे उस टाइम हम अपनी गाड़ी लाएंगे। हाँ गाड़ी लाने से पहले हम एक बाइक वगैरह लेंगे बढ़िया सी राइडिंग वगैरह के लिए, तो हल्की है, बहुत ज़्यादा छोटी बाइक है, इसमें स्पीड ज़्यादा नहीं है, 80 से ऊपर नहीं भागती है, क्योंकि 8-9 साल पुरानी स्प्लेंडर है, 2015 का मॉडल है ये, लगा लो 2015 का, अभी 2023 चल रही है, तो 5 साल वो हो गए, 3 साल ये हो गए, 8वीं साल चल रही है इस बाइक को, वो भी 8वीं फिनिश होने में, कल नेक्स्ट ईयर से 9 मतलब 9वीं साल लग जाएगी इसको, तो 8-9 साल से ये बाइक इसको मैं चला रहा हूँ। बट इसमें ना मुझे बड़ा ही इन्जॉय आता है, नई वाली बाइक के कंपेयर ये बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है मेरी बाइक, और टाइम पे सर्विस वगैरह कराता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती। एवरेज सबसे बड़ी बेस्ट बात क्या है इसके अंदर, ये एवरेज बहुत अच्छा देती है। और देखो मोटर ब्लॉगिंग में कितनी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नई बाइक लूँगा तो 1 लाख से ऊपर आएगी, थोड़ा सा और ऊपर डाल के मैं ब्लॉगिंग के लिए अच्छी बाइक ले लूँगा, स्पोर्ट बाइक वगैरह जो होती है। हिमालय बाइक मेरे को बड़ी फेवरेट लगती है, अभी तो खैर अपनी हिमालय यही है, जो भी अपने हाथ में उसी को हिमालय समझना चाहिए। चलो चलो फिर अपने घर पहुँचते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे, 2-4 मतलब 10 या 15 मिनट का रास्ता हो रहा है यहाँ से घर का। ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा ट्रैफिक वाला है, ये है कालिंदी कुंज। आज तो संडे है, संडे की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम है, फिर भी देखो साइड में कितनी बड़ी पार्किंग बनाई हुई है, रोड पर ही मतलब पार्क किया हुआ है, पार्किंग वगैरह बनाई हुई है। और यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा मंडे टू फ्राइडे रश होता है पूरा, ही लगा लो पिक टाइम जब होता है ना, शाम को मान लो 5:30 से 7 बजे तक तो इतना भारी जाम हो जाता है यहाँ पर, जैसे ये खाली पड़ा है ना इतना इतना खाली, तो फुटपाथ भी नहीं होता जो पैदल चलने वाला है, वो भी फुल होता है। तो आप आज तो मैंने बताया संडे की वजह से पूरा रोड खाली पड़ा है, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ यहीं पर मिलेगा, हमने पूरी वीडियो में देखा, तो
तो इतना पूरी वीडियो में कहीं जाम नहीं मिला होगा जितना इस जगह मिला है। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो थोड़ा सा और आगे हल्का फुल्का जाम होगा। बाकी तो अपना नोएडा में एंटर करते ही नोएडा का तो आपको पता ही है, क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा, ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा। जैसे हम कालंदी कुंज क्रॉस करेंगे, यमुना जी ब्रिज पे पहुंचेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं। नोएडा का तो मतलब 7 डेज रोड ही पूरा खाली पड़ा रहता है जो ये है, बट ये ट्रैफिक वाला एरिया होता है। अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं यमुना ब्रिज पर। अब देखो यमुना ब्रिज जो है कितना प्यारा बनाया हुआ है। और अभी तो मैंने खैर बाइक राइड कर रहा हूँ, किसी दिन मैं आपको टाइम वगैरह होगा ना तो जैसे यमुना ब्रिज का पूरा सीढ़ियों से नीचे जाके पूरा पानी वगैरह सारा दिखाऊंगा। हो सकेगा मतलब मैं नेक्स्ट संडे तक आपको दिखाई दूँ, क्योंकि नेक्स्ट संडे फिर मैं जाऊँगा, संडे को मुझे टाइम मिलता है मोटो ब्लॉगिंग वगैरह मतलब ब्लॉग वगैरह करने का। बाकी तो मैं अपने मिनी ब्लॉग और रील वगैरह डालता हूँ अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इंटर कर चुके हैं बिल्कुल नोएडा में। ये यमुना ब्रिज थोड़ा सा लंबा है, अब देखो फिनिश होने वाला है। अब मेरी बाइक की स्पीड देखना, अब ये लगा लो, अब मेरी बाइक जो है ना 80 प्लस चलेगी अभी देखो। अब मैं थोड़ा सा एक्सीलेट दूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर आके ना थोड़ा सा ऐसा लगता है मतलब यहाँ पर थोड़ी सी बाइक की स्पीड में थोड़ी भगानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में मुझे ये डर लगता है कि कोई यार इधर से उधर से कोई इंटर ना कर दे। बट कोई दिक्कत नहीं, अब तो अपने नोएडा में आ चुके हैं, रोड भी इसके क्लीन है और काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं, तो अपने ओवरटेकिंग करने में कोई दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं होती। यहाँ पर कहीं कहीं थोड़ा सा टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अब अपन चल रहे हैं 37 के फ्लाईओवर पर, हम चढ़ चुके हैं। क्योंकि 37 के फ्लाईओवर से जाने से हमें दो चीज़ों का फ़ायदा है, एक तो हमारी गोल्फ पोस्ट वाला जो हमारा जाम है वो हमें बच जाएगा। अगर हम नीचे होकर जाते तो हमें वहाँ रेड लाइट मिलती, प्लस हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। अब हम ऊपर से ही जाएंगे और अंदर अंदर होकर निकल जाएंगे सेक्टर 45 वाले रास्ते से। तो आज अपने घर आ चुके हैं, ये बाइक खड़ी कर दी और अपना थोड़ा सा हुलिया ठीक करते हैं, बच्चों के लिए संतरे लेकर आया हूँ। ये देखो पापा ने बोया हुआ है सारा सौदा। अभी उतारते हैं अपना, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, धूप भी तेज है, चलते हैं घर। भाई साहब गाड़ी लेकर कहीं गया हुआ है। ये लगा लो, पूरी मेहनत हो रही है धूप में। तो गाइस मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया था तो सो गया था, फिर अब सो कर उठाऊँ। आज फास्ट है मेरा, व्रत है माता रानी का, तो पूजा वगैरह करके फिर व्रत वगैरह खोलता हूँ। तो अभी देखो डुग्गी को क्या कर रहा हमारा, देखो तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, चाबी किसकी है, डुग्गू भी ना हमारा बेवकूफ है पूरा, ऐसे ही करता रहता है। क्या कर रहे हो, ओए लाइट जलाओ लाइट जलाओ लाइट जलाओ। अब ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी ज़्यादा पसंद आई हो और अच्छी लगी हो। तो अब हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।